खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर चुनाव प्रचार अंतिम पड़ाव पे है। मतदान में अब तीन दिन से भी कम का समय रह गया है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक रमन सिंह दंतेवाड़ा में भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी देवति कर्मा के पक्ष में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्री कवासी लखमा के साथ कई विधायक ताकत झोंक रहे हैं। वहीं अन्य दल चुनाव प्रचार के पोस्टर से नदारद नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तुमनार में विशाल सभा की, तो वहीं रमन सिंह किया गीदम प्रत्याशी ओजस्वी मंडावी के लिए धमाकेदार रोड शो देखने को मिला। इधर कांग्रेस प्रत्याशी देवती नकुलनार, गंजेनार और मसेनार में प्रचार करते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश में खासतौर से दंतेवाड़ा में ये विकास विरोधी है, बदलापुर की सरकार है, एफआईआर की सरकार है, 164 की सरकार है, गलत तरीके से दबाव डाल के 164 बैन किया जाता है, एफआईआर दर्ज कराया जा रहा है, झूठे मामले किए जा रहे हैं। जो नान का मुख्य अभियुक्त है जो 5 साल जेल में रह गया वो सरकारी गवाह बनता है। ये आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ कि जो जिसके पास 1,90,00,000 रुपया जब्त हुआ, जो 2 बार रंगे हाथ पकड़ा गया, वही सरकारी गवाह है। जो आरोप इन्होंने लगातार लगाया है प्रशासन के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, हम लोगों ने भी पार्लियामेंट में सभा के लिए अनुमति मांगी थी। बटेले में गृह मंत्री और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पुनिया साहब जाने वाले थे, उनको भी अनुमति नहीं मिली। और प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से अगर किसी भी जगह जाना चाहे तो उस जगह पे हम अनुमति देंगे, मगर स्वास्थ्य मंत्री